हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही जबरदस्त, यूनिक और हेल्दी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो रोज रोज बनाना और खाना पसंद करेंगे। साथ ही रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी को बनाना। इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप सूजी लिया है। सूजी आप बारीक वाली या फिर मोटी वाली किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे 1 कप फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। दही और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालकर इसका गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। तो पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से मिला लिया और देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। बैटर को ढककर हम साइड में रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 बॉइल्ड आलू लिया है, जिसका हमने छिलका हटा लिया है। अब इसी के साथ हम थोड़ी सी उबली हुई मटर और 1 टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे मैशर की सहायता से। इस वक्त आप चाहे तो इसमें अपने मन पसंद की वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम पैन में करीबन 1 छोटी चम्मच तेल लेंगे। इसी के साथ इसमें हम थोड़ी सी खरे जीरे का इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से हम बारीक कटे हुए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से इन सभी को हम चला लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से अदरक लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और सभी चीज़ों का कच्चापन जाने तक इन सभी को हम थोड़ी देर और पकाएंगे। मैश किए हुए आलू को हम पैन में डाल देंगे और साथ ही में हम कुछ मसाले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम नमक स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी हम धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी साथ ही जीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और साथ ही थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिला लेंगे। उसके बाद 1-2 मिनट के लिए इसको हम और अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम पैन को साइड कर लेंगे। इतनी देर में सूजी भी अच्छी तरह से फूल गई है, बैटर भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक साथ ही थोड़ी सी बेकिंग सोडा डालेंगे। थोड़े से पानी डालकर बेकिंग सोडा को हम एक्टिवेट कर लेंगे और उसके बाद इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि बैटर हमारा कितना फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। अब हमने यहाँ पे 3 छोटी छोटी कटोरियाँ ले ली है। कटोरियों में हम तेल डालकर कटोरियों को पहले हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। कटोरियों में हम थोड़े थोड़े बैटर डालेंगे। उसके बाद हम कटोरियों को टैप करके बैटर को सेट कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई में करीबन 1 गिलास पानी रखा है और उसके ऊपर हमने स्टैंड को रख दिया है। अब हम स्टैंड के ऊपर कटोरियों को रख देंगे। अब हम इनको ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा लेते हैं। देख सकते हैं कि नाश्ता काफ़ी अच्छी तरह से फूल गई है। नाइफ डालकर हम नाश्ते को चेक कर लेंगे एक बार। देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम सारे नाश्ते को कढ़ाई से बाहर करेंगे और पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि नाश्ता हमारे यहाँ पूरी तरह से ठंडा हो गया है और इसको हम थोड़े से नाइफ से छुड़ा लेंगे इनके किनारों को। अब इनको हथेली पर रखकर थोड़ा सा टैप करेंगे। तो देखिए नाश्ता हमारा अच्छी तरह से बाहर निकल गया है। अब हम नाश्ते को बीच से कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और देखिए अंदर से नाश्ता हमारा कितना जालीदार, कितना फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। और आलू की जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी ना, उसका हम बॉल बनाकर इसे हम एक टिक्की की शेप में बना लेंगे। उसके बाद इसको हम नाश्ते के ऊपर रखकर इसे हम कवर कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल ये ना बर्गर के फॉर्म में आ गया है दिखने में। अब हम पैन में करीबन 2 छोटी चम्मच तेल लेंगे। तेल को पैन में हम अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब हम इस पैन में राई के दाने, साबुत जीरा और थोड़े से हम धनिया के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद तैयार किए हुए नाश्ते को हम इसके ऊपर रखकर अच्छी तरह से सेक लेंगे। जैसे हम पाव सेकते हैं ना, वैसे ही हम इस तरह से नाश्ते को घुमा घुमा के सेक लेंगे। पलट कर इसको हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से सेकने के बाद नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। इस नाश्ते को आप अपने किसी भी मनपसंद चटनी या फिर
सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही मजेदार सी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ बहुत ही जल्द और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।